के अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ करंट अफेयर्स 2021 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी मंत्रिमंडल में टोटली बदलाव किया गया है, इसलिए इस टॉपिक से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो। तो ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुशील चंद्र। सुशील चंद्र जी को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी चुनाव आयुक्त है। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो सुशील चंद्र जी मुख्य चुनाव आयुक्त है। इनसे पहले सुनील अरोड़ा जी 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा एनवी रमना जी को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। अगर पहले की बात की जाए तो शरद अरविंद बोबड़े जी थे हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश। काफी अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के नए भारी उद्योग मंत्री हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन बने हैं? महेंद्र नाथ पांडे जी भारत के नए भारी उद्योग मंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव जी को भारत के नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, आपके आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी जी को भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है बच्चों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार सिंह को भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा किरेन रिजिजू को भारत का नया कानून और न्याय मंत्री के रूप में चुना गया। अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इससे पहले किरेन रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में घुमा के भी पूछ लेता है कि किरेन रिजिजू हाल ही में न्याय मंत्री के रूप में चुने गए हैं, इनसे पहले इनका क्या ओहदा था आपको ये भी बताना होगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, तो ये हमारे पहले खेल मिनिस्टर रह चुके हैं जिसे हम खेल मंत्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं एट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत को भारत का नया जल शक्ति मंत्री के रूप में चुना गया। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति कुमार पारस को भारत का नया नया खाद्य उद्योग मंत्री के रूप में चुना गया। चलते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। हमारा दसवां क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र प्रसाद सिंह को भारत का नया इस्पात मंत्री के रूप में चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अपॉइंट कब किए गए थे? 7 जुलाई 2021 को रामचंद्र प्रसाद सिंह को अपॉइंट किया गया था। पहले की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी पहले इस्पात मंत्री थे, अब रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ये भारत के नए इस्पात मंत्री हैं, अपॉइंट किए गए 7 जुलाई 2021 को। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गिरिराज सिंह को भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री के रूप में चुना गया। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र कुमार जी को भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत के नए बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग और आयुष मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज एंड आयुष के मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वानंद सोनोवाल को भारत के नए बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग और आयुष मंत्री के रूप में चुना गया। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रहलाद जोशी जी को नए संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल जी को भारत के वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के रूप में चुना गया। अगर पहले की बात की जाए तो पहले पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत के नई महिला एवं बाल विकास मंत्री मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में किन्हें चुना गया? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी को भारत की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में चुना गया। चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17th क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के रूप में किन्हें चुना गया? तो अर्जुन मुंडा जी भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में चुने गए हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को भारत के नए विदेश मंत्री के रूप में चुना गया। आपको आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के रूप में किन्हें चुना गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के रूप में किन्हें चुना गया? तो निर्मला सीतारमन जी पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी भी ये वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मतलब पदभार इन्होंने संभाला हुआ है। काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं 21वां क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन जयराम गडकरी जी को भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में चुना गया। अगर आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी नितिन गडकरी जी ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे, अब भी इन्हें ही चुना गया भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और कोऑपरेशन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह को भारत का नया गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह को भारत का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अश्वनी वैष्णव जी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। जिनका एग्जाम हाल ही में रेलवे का होने वाला है, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है,
भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी जी को भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री मिनिस्टर ऑफ फिशर्स एनिमल एंड डेयरी के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम रूपाला जी को भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया जी को भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के रूप में किन्हें चुना गया है? तो नारायण तातू राणे जी को भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में किन्हें चुना गया? तो अनुराग ठाकुर जी को भारत के नए सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी को भारत का नया नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में चुना गया है। चलते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के रूप में किन्हें चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मेंद्र प्रधान जी को भारत के नए शिक्षा मंत्री कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री के रूप में चुना गया है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।